गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है EMD लोगों का कूलिंग वाटर सिस्टम। टॉपिक है कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर सिस्टम ऑफ EMD लोकोमोटिव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लोकोमोटिव में जो इंजन ब्लॉक लगा है, ये इंजन IC इंजन है और इस IC इंजन में फ्यूल बर्न करके हम पावर पैदा करते हैं। तो ये फ्यूल बर्निंग के दौरान यहाँ पर हीट जनरेट होती है और इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। और लोकोमोटिव में फिट वाटर कूलिंग सिस्टम क्लोज्ड या प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम कहलाता है। इस प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम से क्या लाभ होता है? यदि अगर हम किसी बर्तन में पानी भरते हैं और इसको गर्म कर दें, उबलने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम इसी बर्तन को ढक दें, यानी इसको कवर कर दें, तो जब ये ढक्कन बंद हो गया यानी कवर्ड हो गया, तो कवर्ड होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है। तो यानी क्लोज चैम्बर में अगर हम पानी को उबालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो जाता है। तो सेम यही थ्योरी लोकोमोटिव में क्लोज या प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए इम्प्लीमेंट करी गई है। तो इससे लोकोमोटिव के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और लेस वेपर क्रिएट होता है, यानी वेपर या स्टीम क्रिएशन जो है वो कम होता है। तो जब इसमें स्टीम क्रिएशन कम होता है तो लोकोमोटिव में वाटर लॉस, जो कि वेरियस जॉइंट से होता है, ये भी लेस हो जाता है। तो इसलिए हमारे लोकोमोटिव में क्लोज टाइप का वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया गया होता है। अब देखते हैं ये EMD लोकोमोटिव में वाटर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार से होता है। तो इस वाटर कूलिंग सिस्टम में एक ये वाटर टैंक लगा होता है इस वाटर टैंक के यहाँ ऊपर इस साइड में, ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, यहाँ साइड में दिया होता है फिलिंग कैप और वाल्व, यानी यहाँ पर एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व दिया होता है। तो ये सामान्य कंडीशन में ये वाल्व क्लोज रहेगा और जब तक हम इसको इंटेंशनली ओपन नहीं करेंगे तो इस टैंक में पानी नहीं जाएगा। तो टैंक में पानी फिलअप करने के लिए इस वाल्व को ओपन करना पड़ेगा और वाल्व ओपन करके यहाँ बाहर से हम इसका फिलिंग पाइप कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इस टैंक में वाटर फिलअप हो जाता है।
साथ में यहाँ पर वाटर का लेवल चेक करने के लिए ग्लो रॉड या वाटर गेज ग्लास दिया रहता है। तो जब लोग को आइडल अवस्था में रहता है तो पानी का लेवल नीचे मार्क पर रहेगा। यहाँ पर फुल यानी हाई और लो मार्क रहता है, और इसी तरह से डाउन कंडीशन में यह पानी का लेवल ऊपर आ जाता है तो यहाँ ऊपर हाई और लो मार्क फिर से दिया रहता है। अब ये पानी जो वाटर टैंक में है वो कहाँ से जुड़ा होता है, ये हमारे वाटर पंप से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर पंप लगे रहते हैं। ये वाटर की लाइन वाटर पंप को जोड़ी रहती है। इस EMD लोकोमोटिव में दो वाटर पंप दिए गए होते हैं, दो नंबर वाटर पंप दिया गया होता है, क्योंकि इस लोकोमोटिव में ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए बेटर कूलिंग के लिए यहाँ पर अच्छा वाटर पंप या अच्छे प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाटर टैंक से निकला हुआ पानी इन दोनों हेडों द्वारा वाटर पंप के इनलेट साइड पर पहुँचता है, और इसके बाद फिर ये अंदर इंजन ब्लॉक में पहुंच जाता है। तो इस तरह से यहाँ अंदर इंजन ब्लॉक में ये पानी पहुंच जाता है। इंजन ब्लॉक में अंदर वाटर हेडर होता है लेफ्ट साइड, यानी वाटर पंप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड वाटर पंप दिया है। तो ये पानी इनसाइड द इंजन ब्लॉक चलाता है, और इस इंजन ब्लॉक में यहाँ पर हमारी पावर असेंबली फिट रहती है, यानी पिस्टन लाइनर। तो ये पावर असेंबली इस जगह फिट होती है। तो इस वाटर हेडर से यहाँ पर एक एल्बो द्वारा इसका कनेक्शन किया रहता है। तो इस तरह से ये जितने भी पावर असेंबली होगी, यानी 8 लेफ्ट साइड और 8 साइड राइट साइड में यहाँ पर ये कनेक्शन दिया रहता है, और ये कनेक्शन बाहर से विजिबल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको यहाँ बाहर जो कवर दिया रहता है, जिसे हम लोग एयर गैलरी कवर बोलते हैं, तो एयर गैलरी कवर को ओपन करने पर ही हम ये वाटर इनलेट ट्यूब को देख सकते हैं। यानी ये पाइप जो है ये हमारा वाटर इनलेट ट्यूब है, ये वाटर इनलेट ट्यूब हमारे हेडर से पानी को इस लाइनर में पहुंचाता है, और इस लाइनर में यहाँ अंदर वाटर के पैसेज बने रहते हैं। तो इस तरह से ये पानी इन पैसेजों द्वारा लाइनर में ऊपर चढ़ता है, और जहाँ से ये हेड में पहुँचता है, हेड में पहुँचने के बाद ये पानी यहाँ लाइनर तथा हेड की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और यह यहाँ पर एक फिर से वाटर आउटलेट एल्बो, ये ब्रास की एक एल्बो होती है जो यहाँ पर लगी होती है, ये वाटर आउटलेट एल्बो कहलाती है। तो यहाँ से जो गर्म पानी है, यानी अब ये पानी यहाँ से हीट इकट्ठा कर लिया, और ये पानी इस आउटलेट एल्बो से इंजन ब्लॉक में बने हुए वाटर गैलरी में चला जाता है। इस तरह से यहाँ इंजन ब्लॉक के अंदर वाटर गैलरी होती है, जहाँ पर ये सारी पावर असेंबली का गर्म पानी इकट्ठा होता है। तो जिस प्रकार से ये एक यूनिट के लिए दिखाया गया है, इसी प्रकार से ये 8 नंबर्स के लिए ये अरेंजमेंट किया रहता है, यानी लेफ्ट साइड में 8 और राइट साइड में 8। तो 16 जगहों से ये पानी
पावर असेंबली में जाता है तथा वहाँ की हीट को लेकर ये इंजन ब्लॉक में बनी गैलरी में एकत्रित हो जाता है। इसी के साथ इस इंजन ब्लॉक की दूसरा सिरा यानी इस साइड पर, यहाँ पर आफ्टर कूलर लगाया गया होता है। आफ्टर कूलर वो यूनिट होती है जो कि टर्बो द्वारा आई गई हवा को ठंडा करता है। आफ्टर कूलर द्वारा टर्बो की एयर ठंडी होती है, ये आफ्टर कूलर दिया गया है। तो ये जो हमारा वाटर हीटर पाइप है, इसके लास्ट सिरे पर यहाँ से एक पाइप निकला होता है जो आफ्टर कूलर का वाटर इनलेट पाइप होता है। और इसी तरह से यहाँ आफ्टर कूलर में जो इनलेट पाइप है, ये आफ्टर कूलर की ट्यूबों से गुजरेगा और यहाँ से जो है वो एयर टर्बो की अंदर आएगी, जो ठंडी हो करके इस अंदर बनी हुई एयर गैलरी में सर्कुलेट होती है। तो इस तरह से आफ्टर कूलर जो है वो वाटर कूल्ड है। और आफ्टर कूलर में कूलिंग करने के बाद ये वाटर एक फिर से आउटलेट वाई पाइप द्वारा जा करके इंजन ब्लॉक में बनी हुई इसी गैलरी में मिक्स हो जाता है। जिस प्रकार से ये व्यवस्था लेफ्ट साइड के लिए दी गई है, यानी यहाँ से अब ये गर्म पानी हॉट वाटर इकट्ठा हो करके जा करके इस इंजन ब्लॉक में बनी हुई गैलरी में एकत्रित हो गया। तो इसी प्रकार से लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ आफ्टर कूलर ये भी दो संख्या में होते हैं और वाटर पंप भी दो होते हैं। तो ये सारा पानी इस इंजन ब्लॉक में बनी हुई गैलरी में एकत्रित हो जाता है। अब ये इंजन ब्लॉक में जो पानी इकट्ठा हो गया है, ये इंजन ब्लॉक के दूसरे सिरे पे यहाँ पर एक आउटलेट वाई पाइप लगा होता है जिसकी डायमीटर लगभग 3 इंच होती है। इस वाई पाइप द्वारा यह पानी रेडिएटरों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेडिएटर में ये पानी पहुँच जाता है। तो EMD लोकोमोटिव में रेडिएटर इस प्रकार से हॉरिजेंटली माउंट किए रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पानी है वो इस तरह से इन रेडिएटर कोर्स में पहुँचता है। तो जिस प्रकार से ये लेफ्ट साइड के लिए है, लेफ्ट साइड रेडिएटर कोर, उसी प्रकार से ये राइट साइड के रेडिएटर कोर में भी ये पानी, यानी यहाँ इंजन ब्लॉक का जो निकला हुआ गर्म पानी है वो इस रेडिएटर कोर में पहुँचता है। इस रेडिएटर कोर के नीचे यहाँ पर कूलिंग के लिए दो रेडिएटर फैन लगे होते हैं। ये रेडिएटर फैन 3-फेज AC फैंस होते हैं, यानी यहाँ पर जो ये रेडिएटर फैन लगे हैं ये किस प्रकार के हैं, ये 3-फेज के AC रेडिएटर फैन है। और इस रेडिएटर फैन को चलाने के लिए दो रेडिएटर फैन कॉन्ट्रैक्टर FCS और FCF लगे होते हैं, यानी फैन कॉन्ट्रैक्टर स्लो स्पीड और फैन कॉन्ट्रैक्टर फुल स्पीड। तो ये फैंस अलग अलग स्पीड में रन कर पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ से ठंडा हुआ पानी इस रेडिएटर कोर से निकला हुआ पानी यहाँ पर स्थित ल्यूब ऑयल कूलर में जाता है, यानी यहाँ से निकला हुआ जो कूल वाटर है वो अब इस तरह से यहाँ पहुँचता है और ये असेंबली हमारी ल्यूब ऑयल कूलर है।
तो ये जो ठंडा पानी है वो ल्यूबाल को ठंडा करता है, और ल्यूबाल कूलर की ट्यूब से गुजरने के बाद ये वापस जा कर के वाटर पंप के इनलेट वाले साइड में मिक्स हो जाता है। यहाँ में देख रहे हैं कि ये ठंडा पानी वाटर पंप के इनलेट साइड पे पहुँच गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाटर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है, और इस लोको में जो ये दो रेडिएटर फैन के कॉन्ट्रैक्टर दिए होते हैं वो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और ये वाटर का टेम्परेचर 79 से 87 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इन फैन को चलने के लिए जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं वो यहाँ इस जगह पर लगे होते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर ETP यानी इंजन टेम्परेचर सेंसर कहलाते हैं। यदि किसी कारण से पानी का टेम्परेचर 97 डिग्री पहुंच जाता है तो हमारे इस लोकोमोटिव में लगा कंप्यूटर यानी EM2000 थ्रॉटल को लिमिट कर देता है, यानी थ्रॉटल 6 नॉच पे लिमिट हो जाती है। यानी ड्राइवर द्वारा चाहे भले ही कोई नॉच लगी हो लेकिन हमारा लोकोमोटिव केवल 6 नॉच के ही RPM पकड़ेगा, यानी 6 नॉच पे ही कार्य करेगा। तो इस तरह हमने देखा कि यह वाटर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। अब ये जो वाटर पंप है, इस वाटर पंप के दोनों वाटर पंप के नीचे एक कॉमन पाइप जुड़ा रहता है, यानी इसके नीचे से और इसके नीचे से एक कॉमन पाइप दिया गया है। तो ये कॉमन पाइप के नीचे यहाँ पर ड्रेन प्लग दिया गया होता है, यानी अगर हमें लोकोमोटिव का वाटर ड्रेन करना है तो वह ड्रेन का कटआउट का इस जगह दिया रहता है। साथ ही इस कॉमन पॉइंट से एक कनेक्शन कंप्रेसर को दिया जाता है। EMD लोकोमोटिव का कंप्रेसर वाटर कूल्ड होता है, तो ये जो कॉमन पॉइंट से दिया गया कनेक्शन है वो कंप्रेसर को कूल करता है, और कूल करने के बाद जो बचा हुआ वाटर है यानी जो अभी हीटेड वाटर है वो इस ल्यूबाइल कूलर के ऊपर यहाँ एक जॉइंट दिया होता है जिसमें ये जा कर के मिक्सअप हो जाता है। यानी कंप्रेसर से निकला हुआ हॉट वाटर वापस इसी ल्यूबाइल कूलर में एक दिए गए टी जॉइंट द्वारा अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि EMD लोको का वाटर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। थैंक यू।